बाहर आप जितने भी बड़े शेर बने, घर जाके आपका चूहा बनना तय है। और ऐसे में कोई बाहुबली हो, धनबली हो और वर्ल्ड वाइड एक नेम हो और वो घर से त्रस्त हो गया, बाहुबली अगर घर के सामने नहीं टिक पाया, तो आप समझ सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के राजा भैया के कांड की बात कर रहे हैं, जिनकी पत्नी उन्हें तलाक देना चाह रही है। तलाक सुर्खियों की वजह बन गया है। एक नंबर वन कि पत्नी चाह रही है कि तलाक हो, और दूसरी बड़ी मुश्किलें ये हैं कि राजा भैया के खुद के पिता उनकी पत्नी भानवी सिंह के साथ नजर आए। देवर को लेकर ये पूरा मामला था, राजा भैया ने ले लिया देवर का पक्ष, पत्नी का पक्ष नहीं लिया। मामला इतना बढ़ गया कि दिल्ली के साकेत कोर्ट तक जाना पड़ गया। दिल्ली की अदालत में राजा भैया की तरफ से तलाक की अर्जी अब दाखिल कर दी गई है। राजा भैया उनकी पत्नी के बीच दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक का जो मामला है, हालांकि बार बार टल रहा है क्योंकि राजा भैया जल्दी तलाक चाहते हैं, लेकिन पत्नी जवाब दाखिल नहीं कर रही है, इस चीज को टाल रही है। मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। 28 साल पहले दोनों की शादी हुई, कुछ महीने से परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। राजा भैया के करीबी परिवार के सदस्य हैं एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह अब रिश्तों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं भानवी सिंह के देवर लगे। देवर को लेकर ये पूरा ड्रामा चल रहा है जो तलाक तक पहुंच गया, जो कोर्ट तक पहुंच गया, दिल्ली के साकेत कोर्ट तक। अब आपको बता देते हैं कि अक्षय प्रताप सिंह से भानवी सिंह इतनी क्या खफा हो गई कि मामला कोर्ट तक चला गया। दरअसल धोखाधड़ी का केस है, कई गंभीर आरोप लगाते एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला बढ़ता चला गया। याचिका दाखिल हुई पिछले साल, राजा भैया ने पत्नी पर परिवार के खिलाफ क्रूरता करने का व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। अपनी पत्नी को ना सपोर्ट करके पत्नी पर ही बोल दिया कि आपने क्रुएल्टी की है। राजा भैया का आरोप है कि लंबे समय से भानवी ने ससुराल को छोड़ दिया है, वापस आने से इनकार कर दिया है। भानवी ने परिवार के एक सदस्य पर झूठे गंभीर आरोप लगा दिए जो कि क्रुएल्टी की श्रेणी में आते हैं। राजा भैया की याचिका अदालत में है, अदालत ने भानवी सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। भानवी सिंह की तरफ से अभी तक समय मांगा गया इस पूरे मामले में। भानवी सिंह ने दिल्ली में राजा भैया के मौसेरे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। भानवी ने अक्षय और कुछ अन्य के खिलाफ दिल्ली के जोरबाग थाने में मामला दर्ज कराया था। धोखाधड़ी का ये केस है। अक्षय प्रताप राजा भैया एक दूसरे के काफी करीबी हैं। अक्षय प्रताप पर केस के बाद भानवी सिंह और राजा भैया के जो रिश्ते थे वो काफी खटास में आ गए। 28 साल हो चुकी है इनकी शादी को, राजघराने से भानवी सिंह ताल्लुकात रखती हैं और ये विवाद अक्षय प्रताप सिंह को लेकर है जिसके कारण इनके संबंध, इनके रिश्ते में बहुत ज्यादा खटास देखने को मिली। इतनी खटास कि वो अब इरिवर्सिबल है, अब उसका किसी भी तरीके से उस पर मलहम पट्टी नहीं की जा सकती है। मामला कोर्ट में है, राजा भैया चाह रहे तलाक, उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन देवर के खिलाफ भाभी लामबंद है कोर्ट में। और तो और राजा भैया की मुसीबत बढ़ाते हुए राजा भैया के खुद के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपनी बहू भानवी सिंह का साथ दिया है। तो ये इनसाइड स्टोरी थी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के बाहुबली और बहुत ही चर्चित शख्सियत, बहुत ही चर्चित नाम राजा भैया घर के कारण परेशान हो गए हैं। जो बाहर इतने हक हकूक से बात करते हैं, बाहर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूती से बात करते हैं, वो घर के कारण अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। कोर्ट की चौखट पे ये पूरा मामला पहुंच चुका है। भाभी चाह रही है देवर को सजा मिले, लेकिन पति चाह रहा है कि भाई को प्रोटेक्ट करे, भाई की कोई गलती नहीं है। राजा भैया और भानवी सिंह रॉयल फैमिली के लोग अब वो कोर्ट पहुंच गए इस पूरे मसले को लेकर।